तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्काई के मल्टी कनेक्शन के बारे में। और इसमें एक सवाल निकल के आता है कि आप कितने कनेक्शन यानी कि कितने मल्टी कनेक्शन आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी यही सवाल है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं डिकोड मनीष। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल पर प्रेस कर लें, से मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे को टाटा स्काई में कितने कनेक्शन हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या इसके डिसवांटेजेस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स और डिसवांटेजेस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसके अंदर हमारे को बेनिफिट्स मिल जाता है वो मिल जाता है दोस्तों, तो जो हमें पहला बेनिफिट्स मिलता है दोस्तों वो मिलता है हमारे को डिश का, यानी कि हमारे को अगर हम और कनेक्शंस ले रहे हैं यानी कि मल्टी कनेक्शंस ले रहे हैं तो यानी कि अगर हम दो कनेक्शन एक साथ ले रहे हैं तो हमारे को अलग से डिश लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे वहां पे पैसे बच जाते हैं। हमारे एक ही डिश से हमारे को चार कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं जिसमें से एक प्राइमरी होता है और तीन हमारे बाकी हमारे सेकेंडरी होते हैं, तो ये हमारे को बेनिफिट मिल जाता है। और दूसरा बेनिफिट हमारे को ये मिल जाता है, हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है और वो डिस्काउंट मिलता है दोस्तों हमारे को NFC फीस में, यानी कि जो हमारे को 153 रुपीज़ जो हमें चार्ज देना होता है एंड फीस देनी होती है, वहाँ पर आपको प्राइमरी में 153 रुपीज़ देना होता है और सेकेंडरी जितने भी आप लेना चाहें उसमें आपको सिर्फ 61 रुपीज़ 80 पैसे आपको वहाँ पे करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने तीन कनेक्शन लिए हैं तो एक प्राइमरी हो गया जिसमें आपको 153 रुपीज़ पे करना है और प्लस वहाँ पे जो सेकंड दोनों हैं वहाँ पर आपको 61 रुपीज़ और 61 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। बट यहाँ पर पैक में जो आप लेना चाहेंगे पैक में कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको पैक वही रहेगा जो आप लिए हैं, चाहे वो आपने प्राइमरी में लिया हो चाहे वो सेकेंडरी में लिया हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आ जाती है दोस्तों, आप प्राइमरी का पैक अलग से सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऐसे ही सेकेंडरी में भी अपने अलग से यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आप प्राइमरी में जो सेट आपने पैक लिया है वही आप सेकेंडरी में भी देखेंगे, ऐसा नहीं है, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए कुछ बेनिफिट्स के बारे में, अब बात करते हैं इसके डिसवांटेजेस के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा जो मेजर जो डिसवांटेज आता है वो आता है इसका डिश का ही, कि क्योंकि जो कनेक्शन होते हैं जो कनेक्ट होती है वायर सेटअप बॉक्स से वो सब इसी डिश से होती है, और अगर इस डिश के अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाती है तो आपके जितने भी कनेक्शन हैं वो सब में प्रॉब्लम आ जाती है और वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इस ये जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और जो दूसरी प्रॉब्लम ये है दोस्तों यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको आपका जो प्राइमरी सेटअप बॉक्स है यानी कि जो आपका प्राइमरी कनेक्शन होता है उसे आपको हमेशा एक्टिवेट करा के रखना पड़ेगा। अगर आपने उसे डीएक्टिवेट करा दिया तो यहाँ पर आपके जो सेकेंडरी जितने भी कनेक्शंस होंगे वो काम करना बंद कर देंगे, इसलिए आपको हमेशा, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए बंद करवा के चले जाते हैं, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको उसको डीएक्टिवेट नहीं कराना है अपने प्राइमरी वाले को। आप सेकेंडरी को डीएक्टिवेट करा सकते हैं पर आप प्राइमरी जो कनेक्शन होगा जिसके नाम पर वो कनेक्ट होगा जिसके नाम पर वो कनेक्शन होगा वो प्राइमरी कनेक्शन कहलाएगा और उसी के बेस के ऊपर उसी के अंदर आप सेल्फ डायरेक्टिंग समझते चले जाइए, आप जितने भी कनेक्शन लेते जाएंगे वो आप बंद नहीं कर सकते, ये बस इसके अंदर थोड़ा सा पंगा है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गोल्डन क्वेश्चन की, जो है कि टाटा स्काई हमें कितने कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जिसने भी मेन कनेक्शन अपने नाम पे लिया होगा उस बंदे को या उस यूज़र को चार टाटा स्काई कनेक्शन प्रोवाइड मिलते हैं जो वो ले सकता है अपने नाम पर, ठीक है। अब उसके क्या प्राइस हैं वो आपको टाटा स्काई के कस्टमर केयर में आपको पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा होगा, क्योंकि अभी कुछ और प्राइस चल रहा होता है और उस टाइम जब ये वीडियोस देख रहे होंगे शायद वो प्राइस चेंज हो चुका होगा, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो आपको कस्टमर केयर में ही पता चलेगा आपको जब चेंज करना है, या मल्टी कनेक्शन आप उसके लिए बोलेंगे कि मुझे मल्टी कनेक्शन लेना है तो आपको पता चल जाएगा। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली यही है कि आपको एक यूज़र आईडी पे चार कनेक्शन आपको मिल सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी फैमिली लार्ज मतलब बड़ी आपकी फैमिली है और हर बंदे के पास अपना टीवी है या हर अपना कनेक्शन लेना चाह रहा है तो वो और कनेक्शन नहीं ले सकता, वो ले सकता है बट वो दूसरे यूज़र आईडी पे, यानी कि किसी भी फैमिली के दूसरी सब्सक्राइबर आईडी आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि नया डिश लेना पड़ेगा और नया सेटअप बॉक्स लेना पड़ेगा उसके लिए, और उसके भी यहाँ पर आपको भी चार कनेक्शन आपसे ही मिल जाएंगे, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस यहाँ पर रूल यही है कि आपको एक यूज़र आईडी पे यानी कि एक बंदे को सिर्फ चार कनेक्शन ही प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरीके से अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप अलग अलग नाम से आप वो कनेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।